हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी 14 अप्रैल बिहू के दिन बहुत एक शुभ दिन है उस दिन आईआईटी गुवाहाटी में आने वाले हैं। तो आईआईटी गुवाहाटी का एक नया इनिशिएटिव है असम सरकार के साथ, उसको बोलते हैं आही, जो हिंदी में जिसका मतलब है आत्मा और सोल। तो ये असम एडवांस्ड हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट जिसको बोलते हैं, उसका एक निर्माण होने वाला है, उसका फाउंडेशन स्टोन लेइंग होने वाला है। तो ये बहुत ही बड़ा 500 बेडेड हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में पीजी एजुकेशन होगा और एडवांस्ड रिसर्च भी होगा अलग अलग एरिया में, जैसे रोबोटिक्स है, प्रिसिशन मेडिसिन है, कैंसर केयर है। तो इस हॉस्पिटल का निर्माण होने से पूरे रीजन को, पूरे स्टेट को बहुत ही फायदा होगा। इस टाइप का हॉस्पिटल, इस टाइप का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर मेडिकल फोकस वाला कहीं नहीं है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जो असम गवर्नमेंट की सहायता से आईआईटी गुवाहाटी में बनने वाला है। सर, आईआईटी गुवाहाटी का नया नया रैंक क्या क्या सोल्यूशन? आईआईटी गुवाहाटी का अभी रिसेंटली QS वर्ल्ड रैंकिंग एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 14 सब्जेक्ट में आईआईटी गुवाहाटी का बहुत अच्छा रैंकिंग हुआ है। हर साल हम देख रहे हैं कि आईआईटी गुवाहाटी अलग अलग सब्जेक्ट नया नया ऐड कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब ये है कि आईआईटी गुवाहाटी बहुत सारे विषयों में तरक्की कर रहा है। सबसे अच्छा हुआ है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग विषय में, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में आईआईटी गुवाहाटी का 50 के आसपास रैंक आया है वर्ल्ड में, ये जो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरे जो दो नए सब्जेक्ट जो ऐड हुए हैं इस बार, वो है सिविल इंजीनियरिंग जिसका रैंक 151 से 200 तक है, और एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है वो है इकोनॉमिक्स और इकोनोमेट्रिक्स जिसमें हमारा रैंक अभी ये साल 500 से थोड़ा ऊपर है। इसको छोड़ के और हम 12 सब्जेक्ट में रैंक हुए हैं, ये भी बहुत अच्छा ओवरऑल रैंकिंग दिखा रहा है कि आईआईटी गुवाहाटी बहुत सारे विषयों में वर्ल्ड रैंकिंग में रिसर्च और डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो ये दिखा रहा है कि ओवरऑल डेवलपमेंट जो NEP 2020 के अंतर्गत हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो बहुत सारे सब्जेक्ट में कंट्रीब्यूशन हमारे देश के बढ़ती, नॉर्थ ईस्ट के बढ़ती, आसाम के बढ़ती के लिए बहुत ही ये अच्छी बात है ये आईआईटी गुवाहाटी की तरफ से। सर,